कोर्स हमारा एक सोसाइटी है, हमारी इस पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या होता है कि कोई डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस लेके बैठे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई यूट्यूबर है, तो ऐसे ही जो स्टेटस है ये डिफाइन करता है खुद अपने आप को. सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली स्टेटस इज. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Pages. My name is Sakshi and today we are going to learn a very important chapter called status. As we have discussed before, हमने रोल के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है और आई थिंक अगर आपने उसे नहीं देखा है पहले तो उसको जाके देखिए, उसके बाद स्टेटस आपको बेहतर समझ में आएगा. तो ठीक है, बात करते हैं शुरुआत से. स्टेटस मतलब होता है पोजीशन. पूरे के पूरे समाज में आपका पोजीशन क्या है, वेदर यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ प्रोफेसर, आप बिजनेसमैन हैं, आप क्या करते हैं, दैट इज वॉट इज कॉल्ड स्टेटस. दूसरी बात, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन देखते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में सही से उस चीज को पुट अप कर सको. रैल्फ लिंटन के अकॉर्डिंग स्टेटस जो है, देखो रैल्फ लिंटन का नाम ले रही हूँ, उसको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेना, ठीक है. स्टेटस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं और जो लोग एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. तो रैल्फ लिंटन इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, स्टेटस जो है इज द प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम विच इज सर्टन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज एट अ पर्टिकुलर टाइम. समझ में आ गया होगा. डंकन मिटचल के अकॉर्डिंग द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन, फैमिली और किनशिप ग्रुप इन अ सोशल सिस्टम रिलेटिव टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड स्टेटस. दिस डिटरमाइंस राइट्स, ठीक है, आपके राइट्स बताता है अगर आप किसी स्टेटस में हो तो, आपके ड्यूटीज बताता है एंड अदर बिहेवियर इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप विथ पर्सन्स ऑफ अदर स्टेटस. ये सारी चीजें बताते हैं, राइट्स, ड्यूटीज, बिहेवियर, आपका नेचर, आपको किस तरीके से बिहेव करना है दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे स्टेटस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है दूसरे स्टेटस के साथ. रॉबर्ट बेस्टर्ड के अकॉर्डिंग अ स्टेटस इज सिंपली अ पोजिशन इन सोसाइटी और इन अ ग्रुप. द स्टेटस इज द पोजिशन अफोर्डेड बाय ए ग्रुप एफिलिएशन, ग्रुप मेंबरशिप और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट स्टेटस. आगे थोड़ी सी बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेटस के बारे में. तो सबसे पहला तो है भाई सिंबल्स. सिंबल्स जो है ये आइडेंटिटी को बता देते हैं किसी भी स्टेटस के. सपोज अगर कोई सोल्जर है, ठीक है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई पुलिसमैन है, कोई प्रीस्ट है, साधु संत है, तो उनके ड्रेस से हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो कौन से स्टेटस में है, ठीक है. तो आप कह सकते हो कि सिंबल्स जो है ये इंपॉर्टेंट नेचर है किसी भी स्टेटस के, लेकिन आपको कोई भी आसानी से प्रैंक कर सकता है ऐसे कपड़े पहनकर, वो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेटस से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो ये तो होता है पहला एक नेचर, ठीक है, ऑल टुगेदर नहीं बोल सकते हो. दूसरा है एवरी स्टेटस हैज इट्स ओन राइट्स एंड ड्यूटीज. सपोज कि कोई एम्प्लॉयर है, ये उसका एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉयर जो है ये एक्सपेक्ट जरूर करेगा कि मेरे लिए जो मेरा एम्प्लॉय है उसे अच्छे से काम करना चाहिए और मेरे प्रति वो अच्छे से बिहेव करे, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, ये उसका राइट है बिहेव करने का, कि वो मतलब कि एक्सपेक्ट करने का. दूसरा जो एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयर से इस चीज को एक्सपेक्ट करेगा, ये उसका राइट है कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे कुछ अवार्ड मिले, कुछ रिवॉर्ड मिले. और प्लस जो ये है एम्प्लॉयर है उसका ये ड्यूटी है कि उसे एम्प्लॉई के लिए कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए. तो ये जो राइट्स और ड्यूटीज का जो खेल है ये चलता रहता है पूरे के पूरे स्टेटस वाले सिस्टम में. और बात करते हैं इंडिविजुअल के, ढेर सारे स्टेटस हो सकते हैं पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है. एक कॉलेज स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर के लिए एक स्टूडेंट हो सकता है, पर्टिकुलर टाइम में वो एक शॉप ओनर के लिए कस्टमर हो सकता है, डिपॉजिटर हो सकता है बैंकर के लिए, पैसेंजर हो सकता है बस ड्राइवर के लिए. तो ढेर सारे स्टेटस वो कैरी कर सकता है एंड इट इज वेरी मच ऑब्वियस, ठीक है, हो सकता है बिल्कुल ऐसा. बात करते हैं कि स्टेटस सोशल ऑर्डर करता है टू स्टेबिलिटी, दैट मीन्स इट एड टू सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, दोनों चीजें. देखो हम जब से इस मानव समाज में आए हैं हमारे पास ऑलरेडी टीचर्स थे, क्लर्क थे, फार्मर्स थे, सारी चीजें हमारे पास है. ये हमारा क्रिएशन नहीं है, ये ऑलरेडी समाज में इसकी जरूरत है इसलिए अभी तक टिका हुआ है. इनसे क्या होता है कि हमारा जो सोसाइटी है इसमें पर्टिकुलरली सारी चीजें स्टेबल स्टेबिलिटी से रहती है, ओके. एंड दिस इज समथिंग वेरी मच सीरियस प्लस ऑब्वियस. अब बातें करते हैं कि स्टेटस के दो तरीके की, जिसका नाम है एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस. तो ये किसने दिया है,
दिस इज ऑब्वियसली बाय राल्फ लिंटन. तो एस्क्राइब स्टेटस क्या होता है, जिसमें एब्सोल्यूटली आपकी कोई चॉइस नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एस्क्राइब स्टेटस. ये बाय बर्थ होता है, जैसे कि आपका सेक्स, आपका एज, आपका किनशिप, आप इससे क्या कर सकते हो, आप इस पर्टिकुलर चीज में, कोई आपके चाचा है आपके चाचा है, कोई आपके मामा है मामा है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हो. एज आपकी उतनी है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में उतनी रहेगी. हाँ, कुछ दिन बाद आपकी एज बढ़ घट सकती, मतलब बढ़ सकती है, ऑब्वियसली घट तो नहीं सकती है, लेकिन एज, अगर सपोज मैं किसी एज की हूं तो मैं उस एज की हूं, आप अगर फीमेल हो तो आप फीमेल हो. इसमें डिलेड एस्क्रिप्शन आता है. व्हाट डू मीन बाय डिलेड एस्क्रिप्शन? ओके, तो सपोज ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई एक न्यूली मैरिड कपल है, उनके बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि डायरेक्टली उनका जो सरनेम है उनके बच्चों से जुड़ जाएगा. ऑब्वियसली बात है, जुड़ना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस में जो ये सरनेम है ये बाद में मिलता है. जो केसेस हैं वो किस किस के हो सकते हैं, इनहेरिटेंस के, सक्सेशन के, ठीक है. तो जब बाद में मिलते हैं तो क्या हो रहा है, वो चीज डिले हो रहा है. मिलेगा आपको जरूर, लेकिन डिले होकर मिलेगा, दैट इज नोन एज डिलेड एस्क्रिप्शन. बात करते हैं अचीव स्टेटस की. सो अचीव स्टेटस मतलब कि जो आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है, आपकी ये लाइफ है, आपने उस चीज को अचीव किया है. अचीव किया है, जैसे कि आपको बनना था आईएएस, आपने उस चीज को अचीव किया. आपको बनना था बॉडी बिल्डर, आपने उस चीज को अचीव किया. आपको बनना था बिजनेसमैन, यू हैव अचीव दिस. आप पैदा होकर नहीं आए हो, मतलब कि बिजनेसमैन होते ही, तो ऐसा होता रहता है और ये चलता रहता है, ठीक है. तो ये कुछ वो वाले केसेस हैं. फ्लू डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं. फ्लू डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जितने भी जो अमीर लोग हैं, अपर क्लास पीपल हैं, उन्हें ज्यादा एडवांटेज होता है एकेडमिक फील्ड में, कि वो अपने बच्चों को ज्यादा एडवांटेज दे सकते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए. और वही पुअर क्लास के लोगों को थोड़ा सा नहीं मिल पाता है, और उसी को ही फ्लूइड डिस्क्रिप्शन मिलते हैं बोलते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन. आई होप आप लोग को लेसन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं देन डू शेयर दिस विथ ऑल योर फ्रेंड्स. दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करके अच्छा बना सकें. और फिर सोशियोलॉजी तो डिस्कस करते ही रहेंगे. कोई प्रॉब्लम्स हो तो डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ऑलराइट, सी यू बाय इन द नेक्स्ट थैंक यू वीडियो. सो मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले. और एक और काम आप लोग किया करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चीज को शेयर करो. मुझे कमेंट में बताओ कि आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं, एंड ये भी बताओ कि आपका स्टेटस इस सोसाइटी में क्या है. क्या आप कोई स्टूडेंट हो, क्या आप कोई प्रोफेसर हो, क्या आप किस जगह से हो, ये भी बता सकते हो, ताकि हम जो स्टेटस है उसे अच्छे से डिस्कस कर सकें.